गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मॉस्किज किचन एंड व्लॉग्स। तो आज मैं आपको लेकर आई हूँ वाट्स लेक सिलोंग में। एंड दिस लेक इज़ द मोस्ट पॉपुलर अट्रैक्शन ऑफ सिलोंग। एंड इस लेक को विजिट करने के लिए आपको 20 रुपीज़ पर हेड वेट करना होता है। एंड इफ़ यू हैव माइनर एंड सीनियर सिटीजन्स विद यू, देन 10 रुपीज़ पर हेड आपको वेट करना होगा। इसके साथ ही 50 रुपीज़ फॉर डिजिटल कैमरा, 400 रुपीज़ फॉर वीडियो कैमरा एंड 3000 फॉर फिल्म शूटिंग। इसके साथ ही साथ एवरी ट्यूजडे ये क्लोज रहता है। एंड एक और मेन इंस्ट्रक्शन जो यहाँ पर है, नो मास्क नो एंट्री, तो इस चीज़ का आपने ज़रूर ध्यान रखना है। और अगर मैं बात करूँ इसकी टाइमिंग की, तो अगर आप विजिट कर रहे हैं नवंबर टू फेब में, तो यहाँ की जो टाइमिंग है विजिटर्स के लिए वो है मॉर्निंग 8:30 to 5:30 PM और सैटरडे संडे 8:30 to 6 PM। उसके साथ ही अगर आप मार्च टू अक्टूबर इसको विजिट करते हैं, देन 8:30 AM to 6:30 PM एंड सैटरडे संडे 8:30 AM to 7 PM। वार्ड लेक इज ऑल्सो नोन एज पोलक्स लेक एंड दिस लेक इज नेम्ड आफ्टर द चीफ कमिश्नर ऑफ आसाम सर विलियम वार्ड, जिन्होंने इस लेक को स्टेब्लिश करने का प्लान बनाया था और बाद में इसे कंस्ट्रक्ट किया गया था 1894 में बाय कर्नल हॉपकिंस। सो वार्ड लेक जब आप आते हैं तो आपको एक ब्यूटीफुल सी लेक देखने को मिलती है। बिल्कुल सेंटर में ये वुडन ब्रिज बना हुआ है जिसपे आप खड़े होकर लेफ्ट एंड राइट दोनों ही साइड इसका लेक का व्यू आप एंजॉय कर सकते हैं। इस ब्रिज पर खड़े होकर आपको काफ़ी सारी लेक के अंदर छोटी छोटी फिश देखने को मिल जाएगी। उसके साथ ही आपको यहाँ पे डक भी मिल जाते हैं और आप इन फिश या डक को फीड भी करा सकते हैं। सो अर्ली मॉर्निंग जब आप यहाँ पर आएंगे, आपको ये जो लेक है बहुत ही ब्यूटीफुल देखने को मिलेगी। बिकॉज अभी सनराइज हुआ होता है अर्ली मॉर्निंग एंड जो शेडो आ रही है, आप देख सकते हैं जितने भी ट्री हैं उनकी शेडो पूरी दिखाई दे रही है पानी के अंदर, और साथ ही आप मेरी शेडो भी देख सकते हैं यहाँ पर। तो एक काफ़ी खूबसूरत सा व्यू आपको देखने को यहाँ पर मिल जाता है। वॉट लेक के पास ही आपको एक बोटानिकल गार्डन भी है जिसे आप जाकर विजिट कर सकते हैं और वहाँ पर आपको डिफरेंट वैरायटी के फ्लावर्स देखने को मिलेंगे और उसके साथ ही आपको वहाँ पर ऑर्किड मिलेगा जिसे आप विजिट कर सकते हैं। इस वॉट लेक के अंदर आपको ये कैफेटेरिया भी मिल जाएगा जिसमें जाकर आप रिफ्रेशमेंट कर सकते हैं। और जब हम अभी गए हैं अराउंड 9 AM तो ये क्लोज है, तो मे बी इसकी टाइमिंग आफ्टर 10 AM हो। सो यहाँ पर जाकर आप रिफ्रेशमेंट अपना ले सकते हैं। और अगर आप फोटोशूट करवाने में इंटरेस्टेड हैं तो ये खासी लोगों की ट्रेडिशनल ड्रेस है जो आप देख रहे हैं, और इस ट्रेडिशनल ड्रेस को पहनकर आप फोटोशूट करवा सकते हैं। नॉर्थ ईस्ट में हर किसी साइट सीइंग एरिया में आपको ये फोटो सेशन वाला बूथ मिल जाता है और आप इसमें फ़ोटोशूट करवा सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ पे बोटिंग फैसिलिटी है जिसकी टाइमिंग जो है वो समर में 9:30 to 5 PM है और विंटर्स में 9:30 to 4 PM है। तो इसके अगर चार्जेस की बात करूँ तो 4 सीटर के लिए अगर 25 मिनट के लिए आपको 200 रुपीज़ पेड करने हैं, 45 मिनट के लिए 250 रुपीज़। इसके साथ ही अगर आप 5 सीटर वाली बोट लेते हैं तो 25 मिनट के लिए 260 रुपीज़ और 45 मिनट के लिए 360 रुपीज़। ये नोटिस बोर्ड जो लगा हुआ है इसमें सब कुछ मेंशन है, आप इसे रीड कर सकते हैं और साथ ही आप यहाँ पर लाइफ जैकेट भी देख सकते हैं। वाट्स लेक का यूज़ जो लोकल हैं वो जॉगिंग के लिए करते हैं अर्ली मॉर्निंग, एंड जो जॉगिंग की टाइमिंग है उनकी वो 5 AM to 9 AM है, जिसके लिए उन्हें मंथली पेमेंट करनी होती है और उन्हें पास मिलता है। तो ये मंथली पेमेंट जो है वो 200 रुपीज़ की होती है जिससे उन्हें पास मिलता है और वो 1 मंथ तक जॉगिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ डिटेल मेंशन है, आप इसे रीड भी कर सकते हैं।
क्या आपके पास है? क्या है? टिकट पर देखो बस पास में जाने की टिकट है। कितने की आई टिकट? ये पूछे हाँ इसका कार्ड से निकाल के ये पापा ने लिया वो। अच्छा कितने की थी टिकट्स? लुक हियर बेबी यहाँ देखो ऊपर ऊपर देखो मम्मा को यहाँ देखो यस थ्री टिकट्स फॉर थ्री पीपल। पापा टू चीन लेना मुझे तो ग्रीन है चीन काली। अच्छा सो फ्रेंड्स हमने इस वार्ड लेक में आकर काफ़ी ज़्यादा इंजॉय किया है एंड आई विल से दिस लेक इज़ ए मस्ट विजिट प्लेस। एटलीस्ट हाफ एन आवर आप निकाल कर इसे विजिट कर सकते हैं, काफ़ी मज़ा आपको आने वाला है। एंड क्योंकि ये ऑलमोस्ट 100 ईयर्स पहले का बना हुआ लेक है और इसे आप घूम सकते हैं, यहाँ इंजॉय कर सकते हैं एंड काफ़ी मज़ा आपको आएगा। सो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा एंड पसंद आया तो जल्द से एक लाइक कर लीजिए, कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं आपको कैसा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।